नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के चारों चैप्टर का, क्लास 10th की पूरी फिजिक्स के असर्शन रीजंस। ठीक है, असर्शन रीजन अभी हम पूरे बुक का लगा चुके हैं, सिर्फ फिजिक्स का बाकी था, वो अभी हमने आपको यहाँ पे वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के असर्शन रीजन अगर आपको पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। सारे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है चैनल पे। फिर उसके बाद 5 सैंपल पेपर भी अवेलेबल हैं, सारे चीजें आप देख सकते हैं क्लास 10th में 95 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और अदर भी। इफ पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि बाकी एक्टिविटीज भी हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में लेके आ जाए, कि ताकि ताकि सारी एक्टिविटीज आप एक बार में क्लियर कर पढ़ लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अब पढ़ते हैं ये पूरी फिजिक्स के असर्शन रीजन। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, असर्शन रीजंस क्वेश्चंस यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब एक हमारे पास कोई भी मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यह मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस हो गया और ये कर्वेचर हो गया। बिल्कुल सही बात है, कर्वेचर जो है वो पार्ट नहीं होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थोड़े से दूर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्पेयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें मिला है स्पेरिकल मिरर का, वो एक पार्ट है। दिस स्पेयर हैज अ सेंटर, इस स्पेयर का एक सेंटर होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कोई भी जो रे है वो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो कर्वेचर से पास होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो बैक कर जाती है। मतलब रे अगर ऐसे टकरा रही है तो टकराने के बाद सेम पाथ पे फॉलो बैक मार जाएगी। बिल्कुल सही है, द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये जो रे है वो नॉर्मल से कोई भी एंगल नहीं बना रही है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है मिरर, वो अलोंग विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ही फॉल करती है, दैट्स व्हाई। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए क्या होता है, जब भी ये पोल पे जाता है तो पोल देखो ये नॉर्मल ये है और एक इंसिडेंट रे ये है, तो यहां से गुजर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या था, एंगल बनता है, इंसिडेंट का बन गया, रिफ्लेक्शन का बन गया ऐसा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, देख सकते, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, नॉर्मल पे ही जाके गिरता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती, इन ऑल द मीडिया, सारे मीडियम में। ठीक, चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती जैसे आप मीडियम को बदलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए जो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो चेंज हो जा रहा है। डज नॉट चेंज वाला स्टेटमेंट गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ता है। इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इमरजेंट रे है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से वो पैरेलल होती है। ठीक है, और आगे में दिया हुआ है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ग्लास और इंटरफेस द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल सही है, देखो होता क्या है कि हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, लाइट मान लीजिए यहां से इंसिडेंट कर रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट यहां से इमर्जेंट रे के फॉर्म में रिफ्रैक्ट हो जाएगी अगेन। इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, क्योंकि सेम मीडियम में आ रहा है ना, ये एयर है, ग्लास है, ग्लास से फिर वही एयर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, ग्लास से फिर कहां जा रहा है बेटा, एयर मीडियम में। तो ये रे और ये रे आपस में क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, थोड़ा ठीक से बना नहीं है, ये दोनों रेज आपस में कैसे रहेंगे बेटा, पैरेलल रहेंगे। क्यों होता है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे अपोजिट पैरेलल फेसेस, दोनों पैरेलल होती है अपोजिट फेसेस में। मतलब ये एयर एक फेज हो गया, एक फेज यहाँ पे एयर हो गया, यहाँ पे, इसलिए
एयर ग्लास इंटरफेस, एयर और ग्लास के इंटरफेस में, एंड एंड ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस, द रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल और अपोजिट होता है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो करेक्टली एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When it travels from the denser medium to the rarer medium, it speed up and bend towards the norm. वो ये कह रहा है कि जब भी light ray rarer medium से denser medium में जाती है, तो उसकी speed जो होती है वो slow down हो जाती है और वो bend हो जाता है towards the normal. When it travels from the denser to the rarer, वो speed up हो जाता है और bend towards the normal, नहीं bend away from the normal आएगा ये। जब भी वो denser से rarer में जाएगा, तो वो bend away from the normal आता है, towards नहीं away आता है। ठीक है, A W A Y. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइट रे डेंसर मीडियम सॉरी बेंड्स अच्छा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। देखो क्या होता है, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो बेंड टूवर्ड हो जाती है नॉर्मल पे, अवे नहीं होती बेटा, क्या हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, असर्शन इज अ फॉल्स वन, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, वो फिर रीजन तो ठीक हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द मिरर यूज इन द सर्च लाइट हैज अ कॉनकेव स्पेरिकल, सही बात है, जो भी सर्च लाइट में यूज होता है वो कॉनकेव स्पेयर्स होता है। द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, कॉनकेव में जो बनने वाला इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होता है। देखिए ऐसा नहीं है, कॉनकेव में जो बनने वाला इमेज है वो सिक्स्थ केस में, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, सॉरी पोल के बीच में रखा होता है, तभी इमेज वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केसेस में इमेज रियल बनता है कॉनकेव मिरर में। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। चलिए 7th, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर, लाइट जो है वो ज्यादा ट्रेवल करती है ग्लास के अंदर देन इन एयर, एयर में उसकी स्पीड कम होती है, नहीं लाइट जो है वो एयर में ज्यादा अच्छे से ट्रेवल करती है इन कंपैरिजन ऑफ ग्लास, तो असर्शन जो है वो गलत हो गया, तो असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, जो मतलब ट्रैफिक बैक पे देखने के लिए वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो एक ड्राइवर से मिरर है। The concave mirror has much larger field, जो convex mirror है उसकी field बहुत जो larger है view than the plane mirror, plane mirror से ज्यादा। तो assertion reason दोनों ही correct जो है statement है और वो दोनों एक दूसरे को correctly explain कर रहे हैं। चलिए question number 8, 9 में जाते हैं, एक second, question number 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, mirror formula can be applied to the plane, mirror formula जो है वो अप्लाई किया जा सकता है प्लेन मिरर के लिए, नहीं है स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। अ प्लेन मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर फॉर द इंफिनिटी फोकल लेंथ, क्या होता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाता है, क्यों हो जाता है इंफिनिटी, क्योंकि उसके पास कर्व नहीं होता। ठीक है, दैट्स व्हाई, तो असर्शन इज अ फॉल्स, रीजन इज अ ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द वर्चुअल इमेज बाय आई, देखिए ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट टोटली गलत है। ऐसे तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो भी वर्चुअल इमेज ही बना रहा है, फिर उस इमेज को हम कैसे देख पा रहे हैं, देख पाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, जो मतलब जो भी इमेजेस बन रहा है कॉन्वेक्स द्वारा वो भी हम सी कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मतलब जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग, मतलब असर्शन इज अ फॉल्स एंड रीजन तो फिर ट्रू होता ही यार बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हो गया है कि हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 की स्पीड से चल रहा है तो जो इमेज है वो 4 की स्पीड से जाता है। देखिए ऐसा इसलिए है, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहां से 3 मीटर दूर है तो इमेज भी यहां से 3 मीटर दूर होगा, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है, इमेज भी यहां से 3 मीटर ही दूर होगा। पहली बात मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पीछे जाता है, ऐसा मान लेते हैं कि 1 मीटर पीछे यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो यहां से भी ये इमेज 1 मीटर पीछे चला जाएगा, तो जो टोटल डिफरेंस आया है वो कितने का आया है बेटा, 2 मीटर का, मतलब 3 3 6 और 4 4, मतलब यहां से भी ये 4 मीटर दूर हो गया, वेट, यहां से भी ये 4 मीटर दूर हो गया और यहां से भी ये 4 मीटर दूर हो गया, मतलब अगर 1 मीटर यहां से स्टेप बैक करता है, 1 मीटर यहां से भी स्टेप बैक करता है, मतलब अगर ये 2 की स्पीड से पीछे जा रहा है,
तो ये कितने की स्पीड से पीछे जाएगा बेटा, चार की स्पीड से। चार की स्पीड से क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा ये पीछे गया तो एक डिस्टेंस यहां पे आ गया, तो थोड़ा सा ये भी जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये दो की स्पीड से पीछे गया तो ये चार की से जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है ना, दैट्स व्हाई। अब यहां आगे समझते थोड़ा सा कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो की स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज चार की स्पीड से मूव करेगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, द इमेज फ्रॉम माई प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतना ही इमेज भी मिरर से क्या होता है, दूर होता है। तो दोनों ही एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन दिया हुआ रीजन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। हाँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अपवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, क्योंकि क्यों माना जाता है, क्योंकि राइट साइड में और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर माना गया है ऑब्जेक्ट को, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एज अ मेकअप मिरर यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर देन द डिमनिज इमेज इज फॉर्म। नहीं, अगर गलती से भी फोकस पे रखा गया ना तो इमेज सीधा इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। तो हमारे पास असर्शन रीजन, मतलब असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कोई भी यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेशियो है वेलोसिटी बाय वेलोसिटी का, स्पीड ऑफ लाइट इन लाइक फॉर एग्जाम्पल एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2 या मीडियम नंबर अनदर वन कर लो, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं को दिखाता। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी की यूनिट कट जाएगी ना, मीटर पर सेकंड की यूनिट मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट्स व्हाई ऐसा हो रहा है। चलिए, तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एक दूसरे को। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, द फॉर्मूला कंटेनिंग यू वी एफ फॉर द स्पेरिकल मिरर इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशन फॉर द स्पेरिकल मिरर्स ऑफ ऑल द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर द प्लेन सर्फेसिस। नहीं, ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व सर्फेसिस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन हमारे पास फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं, अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन अ कॉनकेव मिरर अनलेस ही इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। किसी भी इंसान को अपनी इमेज तब तक नहीं दिखेगी कॉनकेव मिरर के सामने जब तक वो बियॉन्ड द कर्वेचर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड द कर्वेचर जाने पर जो इमेज है वो बहुत ज्यादा छोटा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज रियल प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट इन अ सिचुएशन बियॉन्ड इट्स फोकस। तो जो यहाँ पे दोनों के ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। चलिए 17th पे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म बाय द डाइवर्जिंग लेंस। जो वर्चुअल इमेजेस है वो डाइवर्जिंग लेंस के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, जो कॉनकेव है वो कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन वो भी हमारे पास एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है 6th केस में, जहां पे ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो ये असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारे पास, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्जन इनटू द 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। एक व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स कर दिया जाता है प्रिज्म के द्वारा। डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बेंड डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जैसे जैसे एक व्हाइट लाइट जाती है अलग अलग एंगल से मूव करती है अलग अलग कलर की, इसीलिए आप आपको 7 कलर दिखते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और उसको करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। जब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो वहां पे कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, एक किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी, है ना। द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। दोनों ही चीजें ठीक है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है एक दूसरे को। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द नॉर्मल ह्यूमन आई क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है।
जो ह्यूमन आए हैं वो एक डिस्टेंस के बाद 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस, उसके बाद हर एक चीज को इजीली क्लियरली देख सकता है। द ह्यूमन आया हैज अ कैपेसिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, उसके पास एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू और करेक्टली एक्सप्लेन भी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, क्या दिया हुआ? अ रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर बैक इज टुवर्ड्स द सन। हम मान लीजिए सन, हमारा जो पीठ है वो सन की तरफ है, तो सन मान लीजिए पीछे, पीछे से एक लाइट पड़ेगी जहां पे बारिश हो रही है और वहां पे होगा रेनबो फॉर्मेशन। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वॉटर ड्रॉपलेट कॉज द डिस्पर्जन, द फाइनल रे इज बैकवर्ड इन द डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, होता क्या है, मान लो यहाँ पर ड्रॉप है सनलाइट, सनलाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, सन से जो लाइट आती है वो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, यहाँ से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू ये सारी लाइटें कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। तो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से खड़े होके उस चीज को देख रहा होता है, रेनबो फॉर्मेशन को, जो रेनबो फॉर्मेशन हुआ है वो रेनबो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें रेनबो दिखता है, विबगर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये सन है, ये ड्रॉप है और ये पर्सन है। तो जो हमारा एक सेकेंड, जो हमारी पीठ है वो सन के तरफ है ना, वो यही बोल रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन ओनली नियर ऑब्जेक्ट सीन बाय आई, आंखों के द्वारा सिर्फ ऐसे पास पास का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। द आई बॉल इज इलॉन्गेटेड, जो आई बॉल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फर्दर, ये फर्दर आएगा एफ यू आर, फर्दर ऑब्जेक्ट आर सीन। हाइपरमेट्रोपिया एक डिजीज है जिसमें फर्दर ऑब्जेक्ट ही हम देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले में करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है, क्यों? क्योंकि आई बॉल इलॉन्गेट हो गए हैं, इसमें लिखना चाहिए था कि आई बॉल छोटा हो गया, लेकिन लिखा नहीं है ना, इसमें उसका डिसीज को ठीक करने वाली चीज बता दिया, तो वो उसको करेक्टली कहां एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन उसका रीजन नहीं दे रहा है करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या बोला है? डेंजर का सिग्नल है, रेड कलर से बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायलेट वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, द सिग्नल आर विजिबल इवन इन द डार्क। वेलोसिटी नहीं बेटा, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ जो होती है ना रेड की वो मैक्स होती है, ये आना चाहिए था। वेवलेंथ जो होती है वो रेड की, वो क्या होती है, मैक्स होती है। तो असर्शन ट्रू है, जो रीजन है वो फॉल्स है। चलिए, द स्काई लुक्स डार्क, जो बादल है वो ऐसे, मतलब आसमान है वो काला दिखता है, एंड ब्लैक इंस्टेंट ऑफ ब्लू इन द आउटर स्पेयर, आउटर स्पेयर पे ऐसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे एटमोसफियर नहीं होता, पार्टिकल नहीं होंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो वो पार्टिकल हमें नहीं दिखने वाला। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट डू नॉट, स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट का साइज, जो प्लैनेट होता है वो ऐसे पास में होता है, हमारे पास में होने की वजह से उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और रिफ्रैक्शन ना होने पाने के कारण हमारे पास उनका जो मतलब ट्विंकलिंग ऑफ जो प्लैनेट है वो हो नहीं पाता। ठीक है, वेर स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है रिफ्रैक्शन होने के कारण एटमोस्फेरिक मल्टीपल लेयर्स में, वहां पर मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार शो होता है। ठीक है, स्टार्स आर मच बिगर इन द साइज देन द प्लैनेट, जो स्टार है वो बहुत बड़ा होता है। तो जो असर्शन है, जो रीजन है, वो दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दूर होने की वजह से नहीं, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण से स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर टेन, द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट द सनराइज एंड द सनसेट, जो सन है वो फ्लैट अपीयर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस द सनराइज एंड द सनसेट इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण ऐसा होता है। चलिए, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, सही बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण उसका जो कलर है वो ब्लू होता है क्योंकि वो ब्लू कलर स्कैटर करता है।
ब्लू लाइट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, नहीं ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज्यादा नहीं होती, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे असर्शन रीजन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। तो असर्शन रीजन हमारे पास पहला वाला दिया हुआ है यहाँ पे कि जो टंगस्टन मेटल है वो बल्ब में लगाया जाता है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, नहीं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का वो बहुत ज्यादा होता है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए इसके बाद, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। उन फ्लो को फॉलो करके पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जो ग्राफ है वो ऐसा लीनियर जाएगा, एकदम स्ट्रेट ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा। चलिए, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट जो वी, हाँ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गर वायर हैव द ग्रेटर रेजिस्टेंस, जो लंबा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एंड स्मॉलर वायर का रेजिस्टेंस छोटा होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, नहीं, तो असर्शन ट्रू है और रीजन हमारे पास फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलॉय आर कॉमनली, जो एलॉय होता है वो कॉमनली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर निक्रोम हम यूज करते हैं, ऐसे दिया हुआ है, टोस्टर के अंदर यूज करते हैं। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, और एलॉय जो होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते एट द वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सिक्यूटिवली दे आर सेट टू बी इन सीरीज, वो सीरीज में कहलाते हैं। इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, वो ये कह रहा है कि जब रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड कनेक्टिवली जोड़ते हैं सीरीज में उसको हम सीरीज कहते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर जो असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही करेक्ट है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट दे आर सेट टू बी पैरेलल, एक पॉइंट से अगर दो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। एक पॉइंट से अगर दो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल। जैसे पॉइंट ये है ए, इस ए से आर वन एंड आर टू दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, इस केस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारे पास, जो सेल है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिल्कुल सही बात है। सेल मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट, जो सर्किट है उसमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल को मेंटेन करता है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्यों वो बनाता है, क्योंकि वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रिएक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो रिएक्टिविटी है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, जो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ ऑफ द वायर पे, नेचर ऑफ द वायर पे, इन चीजों पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स, तो वो चौथा वाला हो गया। आगे दिया हुआ है दैट टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट इन द लैम्प्स, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, ये तो मेरे ख्याल में रिपीट हो गया था, असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज अ फॉल्स वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ है द फ्यूज इज प्लेस्ड इन अ सीरीज विद द डिवाइस, एक फ्यूज है उसको किसी भी सीरीज में प्लेस्ड इन अ सीरीज, किसी भी डिवाइस में हम सीरीज में लगाते हैं। द फ्यूज कंटेन द पीस ऑफ अ वायर दैट इज मेड अप ऑफ मेटल और एन अलॉय द एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होता है। तो मतलब ये हमारे पास जो पहला वाला सेंटेंस है वो भी करेक्ट है, तो दूसरा सेंटेंस है वो भी करेक्ट है लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज देयर। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोला गया है यहाँ पे कि हमारे पास जो कॉइल ऑफ द हीटर है उसको दो पार्ट में बांट लिया गया है, कि एक मतलब इतना लंबा सा मान लो कॉइल है, इसको दो आधे आधे हिस्सों में बांट लिया है। किसी भी कॉइल को अगर दो आधे हिस्सों में बांटेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, ठीक है।
द हीटर विल नाउ रिक्वायर हाफ टाइम टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. सही बात है, आधा टाइम लगेगा उसको प्रोड्यूस करने में. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगी. चलिए, द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम करंट का स्क्वायर. जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, क्योंकि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना. तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है यहाँ पे. द वायर सप्लाइंग करंट टू द इलेक्ट्रिकल हीटर आर नॉट हीटेड अप्रिशिएबली. मतलब वो कह रहा है कि जो वायर कनेक्ट करता है हीटर को वो ज्यादा गर्म नहीं होता है. क्यों नहीं होता गर्म? क्योंकि उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट के अंदर लगे हुए होते हैं. तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. सही बात है. चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है. करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड. जो करंट कैरिंग वायर है उसको चार्ज होना जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता. तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. तो असर्शन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है. इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. सही बात है. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स अ रीजन हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लो, मतलब कोई भी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. तो यहाँ पे देखिए है क्या है हमारे पास, कि जो असर्शन है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है ना, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा. नहीं, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो असर्शन इज अ रीजन इज अ फॉल्स वन. चलिए आगे बढ़ते हैं. असर्शन, हीटर वायर मस्ट हैव द हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. फाइन, द रेजिस्टेंस इज हाई. रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस. जितना हाई रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा. तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ता है. बोल रहा है कि एक चेन ऑफ बल्ब है जिसमें 50 बल्ब हमने लगाए हुए हैं एक सीरीज के अंदर. वन बल्ब इज रिमूव, एक बल्ब को हमने निकाल दिया. द सर्किट इज कंप्लीटेड अगेन. बोल रहा है 50 बल्ब का सीरीज है, ज्वाइन किया गया, एक बल्ब को हमने निकाल दिया. द सर्किट इज कंप्लीटेड अगेन, फिर से उसमें एक बल्ब लगा दिया. इफ द रिमेनिंग 49 बल्ब आर अगेन कनेक्टेड इन द सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई, देन द लाइट गेट डिक्रीजेस इन द रूम. जो लाइट है वो रूम के अंदर थोड़ी सी कम हो जाएगी. देखिए, ये स्टेटमेंट ही गलत है. वो ये कह रहा है कि मान लो 50 लगाए थे, एक बल्ब निकाल दिया, निकालने के बाद अब यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, द सर्किट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटेड अगेन, एक बल्ब लगाया गया है. इफ द रिमेनिंग 49 बल्ब, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे. यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, ये हटा देना चाहिए मेरे ख्याल में. एक चेन है उसमें 50 लगे थे और उसमें से एक बल्ब निकाल दिया, 49 बल्ब बचे हैं. बताओ वहां पे रूम की लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी क्या? देखिए, एक बात समझिए, अगर सीरीज में से एक बल्ब भी अगर आप निकालेंगे तो जो हमारे पास पूरा का पूरा कनेक्शन है वो लूज हो चुका है. अब बटन ऑन करने पर भी सर्किट कंप्लीट नहीं है. सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट ही फॉल्स है. ठीक है, बल्ब लाइट की जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं होगी, ब्राइटनेस होगी ही नहीं, मतलब एक भी बल्ब नहीं जलेगा. ठीक है, चलिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. नेट 49 बल्ब विल बी लेस देन द 50. जो रेजिस्टेंस है वो 49 बल्ब का वो कम होता है 50 बल्ब से. ये बात तो स्टेटमेंट ट्रू है. चलिए, तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन है. जो असर्शन है उसका स्टेटमेंट ही टोटली रॉन्ग दिया हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे दिया हुआ है हमारे पास, एक फ्यूज वायर है मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है फ्यूज वायर. सही बात है. फ्यूज इज यूज फॉर द स्मॉल करंट फ्लो ओनली. जो फ्यूज है उसमें छोटा सा करंट जाता है. देखिए, होता क्या है, छोटा सा करंट कैसे जाएगा, जब रेजिस्टेंस हाई है तो ज्यादा करंट जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन जो है ट्रू है, लेकिन रीजन जो है हमारे पास वो फॉल्स है. मतलब देखो, एक काम, एक बात समझना, हाई रेजिस्टेंस से करंट की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन हम ज्यादा करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा करंट जा सके उसमें से. तो असर्शन ट्रू है, लेकिन रीजन फॉल्स. चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, द कनेक्टिंग वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर. जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो कॉपर के बनते हैं. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई. तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी है. चलिए, 19th वाला क्या है हमारे पास. 19th वाला है दैट करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वेरी गुड. द इलेक्ट्रिकल करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन द टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड दे इफ दे आर सेम पोटेंशियल. कह रहा है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट है विल नॉट फ्लो, कब फ्लो नहीं करेगा, अगर दो चार्ज्ड बॉडी है और अगर उनका पोटेंशियल सेम है. मतलब कभी भी करंट फ्लो होता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए.
एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्यों करता है फ्लो? क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर करंट का डेफिनेशन सही है, नीचे वाला डेफिनेशन भी सही है ना, स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता एक दूसरे को। ठीक है, चलिए अब तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 वाले में क्या बोल रहा है, एक बर्ड है वो हाई पावर लाइन पे बैठ गई, नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, बर्ड को कुछ भी नहीं हुआ। देखो क्या है, मान लो एक हाई लाइन वायर है, हाई टेंशन वायर है जो खंभे पे, इस पे करंट जा रहा है, चिड़िया आके बैठी, चिड़िया का एक पावर से बनेगी नहीं चिड़िया। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो चिड़िया ने एक पैर, जब पैर थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं बन गया, रुक जाओ, तो ये चिड़िया ने ऐसे मान लो एक पैर यहाँ रखा और एक पैर उसने यहाँ रखा, तो ये हाई टेंशन वायर है। देखो होगा क्या कि जो पहले पैर का पोटेंशियल है वो अगर 220 है तो दूसरे पोटेंशियल पैर का पोटेंशियल भी 220 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा फ्लो। ठीक है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट फॉर द बर्ड सिटिंग ऑन द हाई पोटेंशियल लाइन। तो यहाँ पे जो 20 वाला है उसके लिए हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन एक वायर है उसको मतलब 3 गुना उसको बढ़ा दिया गया उसका लेंथ को, और जो रेजिस्टेंस है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ द वायर के। वायर जितना का लेंथ बढ़ाओगे उसका, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज एडवांटेजियस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर एट हाई वोल्टेज। ये एक एडवांटेज है कि हम इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पे दे देते हैं। द हाई वोल्टेज इम्प्लाइज हाई करंट। जो हाई वोल्टेज होता है वो ज्यादा करंट को लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रीजन है वो एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो रीजन है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज एडवांटेज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक पावर एट द हाई वोल्टेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स। बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर आप किसी भी वायर को मोड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हुए लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस बट नॉट द पावर। गलत है, जो एमीटर वोल्ट मीटर होता है ये हमारे पास पोटेंशियल को नापता है, एमीटर करंट को नापता है। तो ये स्टेटमेंट ही रहोगे, तो असर्शन इज अ फॉल्स, रीजन हमेशा ट्रू होगा। 24 वाला दिया हुआ है मेरे पास कि दैट आपके पास 200 वॉट का एक बल्ब है, ग्लोज विथ मोर ब्राइटनेस देन द 100 वॉट बल्ब। 200 वॉट का एक बल्ब है वो ग्लो करता है ज्यादा ब्राइटनेस के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब सही बात है, 100 वॉट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है देन 200 वॉट बल्ब। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है लेकिन दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए 10 बल्ब है कनेक्ट किया है सीरीज में, एक बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, देन द रिमेनिंग 9 बल्ब विल नॉट वर्क। जो बचे हुए 9 बल्ब हैं वो काम नहीं करेंगे, 10 बल्ब हैं सीरीज में ढका ढक लगा दिए हैं, एक बल्ब उसमें से फ्यूज हो जाएगा, बाकी 9 बल्ब काम नहीं करेंगे। बल्ब ऑफ हायर वॉट विल हैव द लेस ब्राइटनेस। जिसका वॉट ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस लेस होगा। देखिए ऐसा नहीं है, जिसका मतलब वॉट ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा उस कंडीशन में। तो असर्शन ट्रू है, मतलब रीजन भी ट्रू है लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता है। हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। मेनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और हीट दोनों कंडक्टिविटी होती है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं और करेक्टली एक्सप्लेन किए गए एक दूसरे को। चलिए हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके कुछ असर्शन रीजन है, फिर हमारे पास चैप्टर, हमारे पास वीडियो एंड हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, असर्शन ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर दूं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज ऑल्सो रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे आपस में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी गिवन अकॉर्डिंग विद द लेफ्ट हैंड थंब रूल। नहीं, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल से इसका दिया जाता है जो भी पैटर्न और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज अ फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। वो ये कह रहा है कि जितना ज्यादा करंट आप दोगे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। नहीं, करंट जितना ज्यादा जितना है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ता है। तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, असर्शन इज अ फॉल्स। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन दिया हुआ है, एक कंपास नीडल है प्लेस नियर करंट कैरिंग वायर, वायर के पास रखा गया है। द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इंक्रीज। नहीं, वो ये कह रहा है कि मान लीजिए जितना ज्यादा करंट आप देंगे वायर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा उतना कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितना ज्यादा करंट देंगे डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो असर्शन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट, तो आप आखिरी वाली के लिए रिलायबल हो सकते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, अ कंपास नीडल इज प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डिक्रीजेस व्हेन द कंपास नीडल डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द वायर। देखिए होता क्या है, एक वायर है, इस वायर में अगर मैं करंट दे रहा हूँ, करंट देने पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पास में लेके आया हूँ उस निडिल को, जैसे मैं निडिल को पास में लेके आऊंगा तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि यहाँ पर ये कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसी निडिल को दूर लेके जाऊं तो जिसका डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा धुंधला पड़ता जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा दूर लेके जाऊंगा डिफ्लेक्शन उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है, ठीक, असर्शन जो है वो ट्रू है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वन मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है जैसे हम वायर से दूर जाते हैं। तो रीजन भी ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है असर्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इंक्रीजेस। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कॉइल, कॉइल में करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। सही बात है, यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कॉइल। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन में से असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। आप कभी भी करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस जो हो रही है सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के, वो इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। जैसी सर्कुलर कॉइल है उसका जैसे जैसे आप रेडियस को ऐसे करके बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। तो असर्शन इज फॉल्स, असर्शन जो है हमारे पास फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इंक्रीज और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। बिल्कुल सही बात है, कॉइल पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाओगे, एक सर्कुलर कॉइल अगर उस पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। तो सही बात है, नंबर ऑफ टर्न जैसे ही बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे बढ़ेगी। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, करेक्टली एक्सप्लेन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एट क्या है हमारे पास, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनोइड इट बिकम रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सही बात है, वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एज अ साउथ पोल। सही बात है, तो हमारे पास जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड का एक पोल जो होता है वो नॉर्थ की तरह काम करता है, एक साउथ की तरह काम करता है। तो जो मैग्नेटिक नीडल हम लगाते हैं वो भी ऐसी बिहेव करती है कि साउथ बन जाती है और ये नॉर्थ बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन, अल्टरनेटिव करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। अल्टरनेटिंग करंट ही हम यूज करते हैं, एसी इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। सही बात है, इसलिए हम उसको ट्रांसमिट करते हैं।
असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, करेक्टली एक्सप्लेन भी है। यहाँ पे दिया हुआ 10th वाला, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये भी सही है, जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो हो गया असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लिंक करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। चलिए, करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्टेड अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट, जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने अगल बगल रखे हुए मैग्नेटिक मतलब जो नीडल होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है मैग्नेटिक नीडल को। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू और करेक्टली एक्सप्लेन भी है। लास्ट हमारे पास दिया हुआ है असर्शन ऑफ इलेक्ट्रो सॉरी असर्शन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, जैसे सोलेनोइड में अगर आप करंट देंगे तो करंट देने से भी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से भी बढ़ता है, करंट की क्वांटिटी बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी का भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर फिजिक्स के सारे ही असर्शन रीजन कंप्लीट होता है। वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ऐसे बहुत सारा कंटेंट है चैनल पे, जाके देखिए, विजिट कीजिए चैनल, कमेंट कीजिए क्या गलती हो रही है, क्या और अच्छा कर सकते हैं बताइए हमें, सजेस्ट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।